हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है, बहुत ही यूजफुल वीडियो है। आज हम बनाएंगे घर पे ही जलजीरा पाउडर। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही यम्मी बनता है और समर में तो बहुत ही अच्छा लगता है इसे पीना। चलिए गाइस, देखते हैं इसके लिए हमें किस किस इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी। इसके लिए चाहिए मुझे ड्राई पुदीना। अगर आपके पास ड्राई पुदीना नहीं है तो आप फ्रेश पुदीने को लेके थोड़ी देर वॉश करके थोड़ी देर धूप लगवा दीजिए। नहीं तो आप इसको हल्का सा कढ़ाई में बिना कोई ऑयल के या किसी चीज के आप उसको रोस्ट कर लीजिए तो वो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। हमें ड्राई पुदीना ही चाहिए। इसमें हमें चाहिए 1 टेबलस्पून जितनी काली मिर्च, साबुत काली मिर्च, 1 टेबलस्पून जितना सौंठ का पाउडर जिसे अदरक का पाउडर भी कहते हैं, 2 टेबलस्पून जितना जीरा, 4 से 5 रेड चिली, ड्राई रेड चिली, 1/4 टेबलस्पून जितना काला नमक, 1 टेबलस्पून जितना व्हाइट नमक, सफेद जो साधारण नमक होता है, 1/4 टेबलस्पून जितना सिट्रिक एसिड। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। हम चढ़ा देंगे एक पैन और इसमें डाल देंगे हम अपना जीरा पाउडर और इसको हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे। जीरा हमारा हल्का सा रोस्ट हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च साबुत 1 टेबलस्पून जितनी, इसको भी रोस्ट कर लेंगे। जीरा और काली मिर्च भी हमारी अच्छे से रोस्ट होगी। अब जीरे का कलर चेंज होने लग गया है। अब इसमें डाल देंगे हम ड्राई लाल मिर्च, 4 से 5 लाल मिर्च है ड्राई ये, इसको भी हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे। रेड चिली भी हमारी रोस्ट हो चुकी है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम पुदीना, 1 कप जितना पुदीना है ड्राई पुदीना, इसे भी हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। हमने इसको लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक सेव करके रखना होता है स्टोर करके, तो इसीलिए हम इसे अच्छे से रोस्ट करते हैं और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाती है। पुदीना भी हमारा रोस्ट हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 पिंच जितने हींग, सभी अपने ड्राई मसाले, सॉल्ट 1 टेबलस्पून जितना, सिट्रिक एसिड 1/4 टेबलस्पून, सौंठ का पाउडर 1 टेबलस्पून, काला नमक 1/4 टेबलस्पून। इन सबको अच्छे से हम एक बार मिला लेंगे। इन सबको अच्छे से हमने मिला लिया। गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको ठंडा होने के बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ठंडा हो चुका है, अब इसको हम एक ग्राइंडिंग जार में डाल लेंगे। मैंने इसे ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर दिया है। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, एक पाउडर की फॉर्म दे देंगे। मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, पाउडर की फॉर्म दे दी है। ये देखिएगा इस कितना अच्छा बना है, बिल्कुल ही पाउडर की फॉर्म दे दी है। मैं इसे आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो गाइस रेडी है मेरा जलजीरा पाउडर। इसे आप पानी के साथ में सोडे में भी डाल सकते हैं, दही में भी, किसी भी सलाद में, फ्रूट में डाल के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस लगता है, बहुत ही अच्छा है ये। हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा है, पेट से संबंधित जितनी भी हमारी समस्याएं होती है उसे दूर कर देता है। बहुत ही डिलीशियस है, आप इसे घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगा जो बेल आइकन है उसे जरूर हिट कर दीजिएगा जिससे मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। चलिए गाइस फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।